विश्व हाइपरटेंशन दिवस के मौके पर आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन की ओर से मरीजों की जागृति के लिए कंपनी बाग में सुबह 7 बजे बीपी और शुगर की निशुल्क जांच की जाएगी। डॉक्टर मित्तल ने इस मौके पर कहा कि हाइपरटेंशन पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है, इससे समय समय पर जांच के साथ जागरूकता होना भी बेहद जरूरी है। डॉक्टर मित्तल ने कहा कि ब्लड प्रेशर से आज 10 में से 4 लोग पीड़ित हैं। इसमें हार्ट अटैक, ब्रेन, किडनी जैसे अंग इफेक्ट करते हैं और यह जानलेवा भी हो जाता है, इसलिए इस पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। इसे अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव कर भी रोका जा सकता है। मित्तल हॉस्पिटल और मित्तल फाउंडेशन की ओर से सबको शुभकामनाएं देते हैं और हम आशा करते हैं कि आपके जो हमारे सब दर्शक हैं वो स्वस्थ रहें। और जो ब्लड प्रेशर जैसा सबको पता है एक खतरनाक बीमारी है और हर 10 में से 4 व्यक्ति इससे सफ़र कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा मृत्यु का कारण बन सकता है, क्योंकि इसमें हृदय, ब्रेन, किडनी और आईज जैसे महत्वपूर्ण अंग इसमें अफेक्टेड होते हैं। और जैसे ब्रेन हेमरेज है, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, गुर्दे खराब हैं, ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत मुश्किल होता है, महंगा भी होता है और कई बार उससे जान भी चली जाती है। और सिंपल बात ये इसको रोकने का, आज जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे हम ये वार्ता कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि हम अपना नंबर जानें, अब इस बार की जो थीम है वो है नो योर नंबर, आपका ब्लड शुगर कितना है, आपकी कमर कितनी है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, वो आपको पता होना चाहिए। और यदि थोड़ा भी ब्लड प्रेशर हम 2 या 4 ब्लड प्रेशर भी कम करते हैं, जैसे 130 से हम 128 ले आते हैं, तो उसका बहुत अधिक फर्क पड़ता है। हमें क्या है कि 130 140 को तो हम जो आज के लोग हैं हम ब्लड प्रेशर मानते नहीं हैं, और मानते हैं तो इलाज नहीं लेते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, और ये केवल हम लाइफ स्टाइल से बदल सकते हैं। जैसा भी डॉक्टर हिमांशु ने बताया कि जो बीमारियों के कारण ब्लड प्रेशर होता है, जैसे थायराइड की वजह से या एड्रेनल की वजह से, वो एक अलग चीज़ है, पर जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है जो 90% लोगों में होता है, वो केवल स्मोकिंग, मोटापा, स्ट्रेस, अल्कोहल, नमक ज़्यादा खाना, मीठा ज़्यादा खाना, डायबिटीज़, ये जो चीज़ें हम यदि रोक लें, मतलब यदि हम रोज़ 5 किलोमीटर घूमना शुरू कर दें, यदि हम अपना वजन कम कर दें, हम चिकनाहट और नमक कम कर दें, तो बहुत, और स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, तो मुझे लगता है कि हम रोक सकते हैं। और इससे इतनी यंग एज में आजकल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज हो रहे हैं, जो इतनी सारी दवाएं हमको लेनी पड़ रही हैं, यदि हम लाइफ स्टाइल को बदलेंगे तो दवाएं भी नहीं लेनी पड़ेंगी, और लेनी पड़ेंगी तो बहुत कम मात्रा में लेनी पड़ेगी। तो सबसे मैं निवेदन करता हूं अपने फाउंडेशन की ओर से, अपने हॉस्पिटल की ओर से, कि सब लोग इसके ऊपर अधिक से अधिक ध्यान दें। आपके माध्यम से मैं सब लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ये बीमारी ऐसी है जिसको रोका जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्तल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में कल विश्व हाइपरटेंशन डे के दिन कंपनी गार्डन में सुबह 7:45 से और 7:45 तक 1 घंटे का हमने वहाँ पर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है। इसके बाद में मित्तल हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से लेके और 2 बजे तक यहाँ पर पुनः वापस से निःशुल्क ये जाँचें मरीजों के लिए की जाएंगी, ताकि जो मरीज ऐसे हैं जिनको कि पता नहीं अपने बारे में कि मैं डायबिटीज़ से ग्रसित हूँ या हाइपरटेंशन से ग्रसित हूँ, तो उन लोगों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम का भी हमने यहाँ आयोजन किया है। यहाँ पर हम सीडी के माध्यम से उनको अवेयर भी करेंगे और पैम्पलेट्स हिंदी में जो हमने छपाए हैं उनको भी बांटकर जन जागृति का कार्यक्रम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अगर अपन देखें तो ज़्यादातर जो मरीज़ हमारे पास हैं उनको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन के मरीज़ कहते हैं, और जो दूसरे किस्म के मरीज़ होते हैं उनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब कि शरीर में ऐसी कोई बीमारी है जिसके कारण बीपी बढ़ता जा रहा है। जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं होगा तब तक ये इसका संभव नहीं होता बीपी का कंट्रोल करना। जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम है, जैसे कि हाइपरथायरॉइडिज्म है, इसमें बीपी बढ़ जाता है। तो जब तक आप उस कारण का इलाज नहीं करेंगे बीपी का कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन जो ज़्यादातर मरीज होते हैं, 90% जो मरीज होते हैं वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, इनमें कोई कारण नहीं पाया जाता। ये हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके स्ट्रेस है, हमारी लाइफस्टाइल है, मोटापा है, सिगरेट है, शराब है, इन सब के कारण जो बीपी बढ़ता है उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर रखते हैं। और इसके लिए आजकल हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी और बहुत ही एडवांस तरीके की दवाइयाँ हैं, 5 ग्रुप के हैं और उसमें भी कई सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिससे कि हम अपना बीपी कंट्रोल में रख सकते हैं।